guys and welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Ashi Khanna and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. By the way, I got a hair spa done yesterday and I'm loving how my hair looks right now. अभी blow dry है इसलिए काफी straight लग रहा है. अभी today I'm going to the mall because I needed to buy a lot of stuff. बहुत time से मेरे को चाहिए था. काफी चीजें हैं, पूरी list है मेरे पास notes में इस वक्त. Shopping भी कर लेंगे of course इतने time बाद. Properly shopping wala mall jaungi main. Again gonna be a very random chill kind of vlog and I'm gonna take you with me throughout the day ki hum kya karte hai, kya lete hai, kya purchase karte hai and yes let's go. Aur hamari second dose ho chuki hai to hame wahan I think certificate chahiye hota before you enter malls. I'll update you guys of course wahan jaake to bhi mujhe pata nahi ki main gayi nahi ab tak. So I think you need your second dose certificate valid like 15 din pehle ka. उसके बाद ही यू कैन एंटर मॉल और ऐसे पब्लिक प्लेसेस. आई थिंक सनी डे इन मुंबई. मैं फ्रंट कैमरे उल्टा कर दिया बट इट्स अ वेरी सनी डे टुडे इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. यू हैव सीन दिस आउटफिट ऑलरेडी. मैंने कहाँ पहना था ये पीछे प्रेस पड़ी है. रिक्शा बुक किया है मैंने घर में कुछ हो गया जस्ट रिक्शा बुक किया एंड आई एम वेटिंग फॉर रिक्शा वाला भैया टू कम एंड देखती हूँ ऑटो वाले भैया कम होते हैं. अभी रिक्शा के पास जा रही हूँ उसके बाद हम सीधा मॉल निकलेंगे. तंजीर हमें वहीं मिलेगा. सीरियसली समथिंग मेजरली रॉन्ग विद ऊबर दीज डेज. आई बुकड एन ऑटो एंड वो कैंसिल हो गया और कभी कभी तो मिलता भी नहीं है. ओ शिट तड़ाको आई एम सो सॉरी बट कभी कभी तो मिलता भी नहीं है. सौ घंटे तक कुछ ख़राब हो गया. आई थिंक ओला पे स्विच करना पड़ेगा बट मैं ऊबर की लॉयल कस्टमर रही हूँ काफ़ी टाइम से तो इसलिए मैं स्विच नहीं करती. बट ऊबर वालों अगर देख रहे हो ना सोच लो तो ऊबर ऑटो तो कैंसिल होने बट आई फाइनली फाउंड एन ऑटो थैंक गॉड. एंड अभी आई एम गोइंग टू ऋषभ प्लेस. Hardly like 10 minutes from here. तो उसके बाद आपको मिलती हूँ. थूक लगा दी आते आती थूक लगा दी. आप चलो अंदर आओ. नानी आई कह दू की काफी कम बोलने को मिलता है ना. टाइम पे रेडी हम ट्यूनिंग कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट. और अब क्या बोलने वाली थी. हाँ और सबसे मॉडल मैं अपनी रिंग्स बोल रही हूँ. मुझे बहुत रोना आ रहा है. मैंने अभी वैसे अभी हम जा रहे तो हम रिंग्स ले लेंगे. मैं तो लेके पहन लूंगी. मैं नहीं मैं मेरे को इतना न्यूड फील होता है. मेरी वो इतनी इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट रिंग हो जाती है इसको सब एंगेजमेंट रिंग बोल दो गुम गई. मैंने ये पहन ली रिंग्स भूल गई. न्यूड फीलिंग न्यूड. मेरे को रिंग्स और चेन लेनी है. नॉनी यहाँ पे चिल कर रहे हैं और हम एक तो ऋषभ के रूम में ना एंगल ढूंढना पड़ता है कहाँ व्लॉग कर सकता है बिकॉज़ इसके रूम में रिस्ट्रिक्टेड है. यहाँ बाहर बोर्ड लगाने की देरी है बस व्लॉगिंग रिस्ट्रिक्टेड. बस गाइस एक हफ्ते की बात हो रही है फिर यहाँ पे बिल्कुल व्लॉग फ्रेंडली. तो अभी फटफट करो फिर हमें मॉल जाना. मॉल बंद रहेगा क्योंकि मॉल 6 बजे बंद रहते. चलो बाय. बोनी स्वीटी पाई आई एम सो सॉरी. इधर आ जाओ. ओह वाह हम ऊपर एक फोटो खींच के आए थे. मैं अपना ब्लॉग बनाना भूल गई. मम्मी यहां पे क्यों नहीं बनाया कुछ. ओह वाह बॉनी बाय माय स्वीटू. बाय बॉनी. ये ऑटो राइड या ओह वाह सनलाइट बॉय. अच्छा रिया हां मैं साथ एक घूमता सनलाइट पूरे आपके साथ रहूं. पूरे ऑटो राइड में इसने एडिट करी है एक वीडियो और वो भी तक हो नहीं पाई. हो नहीं पाई अब तक. और गाइस यार कैसे क्लाउड मतलब इतने सुंदर क्लाउड होते हैं ना कभी भी मुंबई स्काई. एंड ऐसे दिल्ली वाओ धूप देखो ऐसे दिल्ली में कभी नहीं होते. नहीं मैं प्रो हूँ. दिल्ली में ऐसे कभी स्काई नहीं होते ब्यूटीफुल से है ना. दिल्ली में तो काले. ये देखो मेरा ना पेट निकल रहा है पेट ऐसे. मेरा तो हर जगह तो फैल चुका है. मॉल एंट्रेंस है करोड़ सालों बाद ये वाले मॉल में आए हम. और पहले गाइस हमारा क्रिसमस सांता शॉप क्या कहते हैं सीक्रेट सांता शॉपिंग मॉल है. तो दिसंबर में आप हमें यहीं पाओगे. अभी वापस हम आपको पहले में मिलेंगे. नौ के नौ ये देख मैं इसलिए आई हूँ. मैं तो नहीं बताऊंगा मैंने क्रोमाल. मेरे को एक लैपटॉप ले दो ऋषि. एक आई बैग. और तंजील अभी आने वाला है. सब ले लें. मेरे को एटीएम जाना है और पैसे हैं नहीं पर सब ले. हाँ बैठेंगे मैं और ऋषि सारे से फोरा. एंड अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी बहुत स्टोर्स है ना अंदर ना बेइज्जती कर देते हैं. तो हम एंड में जाके आपको सब दिखा देंगे हमने क्या क्या लिया ऑल टाइम.
ठीक है सर, ब्यूटीफुल हेयर एंड ये ओल्ड तंजील की याद दिला रहा है मेरे को अभी इस वक्त, और पीछे बहुत गाने चल रहे होंगे बट मैं हटा देती हूं। ठीक है, यहाँ पे अलग परफ्यूम में घुसी हुई, वो अलग परफ्यूम में घुसा है। ऋषभ ने मुझे ऋषभ बना दिया। वैसे मुझे परफ्यूम का शौक है बट ऋषभ जितना नहीं। मैंने ये लिया है परफ्यूम एंड जो मैंने लिया मैं आपको एंड में दिखा दूंगी एक बार। कितना अच्छा सर, सच्ची ना मैं दुबई आए हैं। दुबई और मैं लग रहा हूँ मैं और अभी हम स्टारबक्स जा रहे हैं। सर इतना फट रहा है, इतना फट रहा है, और मेरा मन है बहुत ज़्यादा चीनी वाली कॉफ़ी पीने का बट नहीं। आई वॉन्ट, अरे मतलब मीठी सी एकदम कोई ना, बट मतलब बहुत सर दर्द हो रहा है, मतलब कभी कभी होता है ना सर में से धब 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 वो हो रहा है मुझे। हाँ चलो स्टारबक्स चलेंगे। और इसको अब तक परफ्यूम में अपना घुसा हुआ थोड़ा हो गया, परफ्यूम इशू नहीं आ पा रहा है। तेरी कॉफी टेस्ट करा कैसी है? मेरी अच्छी है, मतलब नॉट टू बिटर, एकदम परफेक्ट है। मैं पीती हूं इससे थोड़ा कम पीती हूं, ये है ना, हां इससे भी थोड़ा कम ही पीती हूं। तेरी बहुत कड़वी है। बार बार ऑर्डर आ जा रहे, कपड़े ऑर्डर कर रही है। सॉस तो खा ले, सॉस नहीं खाएगा क्या? इतनी भी क्या नफरत है यार तेरे को, इधर क्यों करी अपने उसमें साइड में करना किधर, और हाथ में कर दो, हाथ में कर दो, सॉस तो कर दो हाथ में। तमीज़े देख लो, एक तो लेट आया और थैले भर आया, क्या हमारे बिना था ना तू शॉपिंग? हम नहीं आए आपके साथ, पता नहीं बैग ले लिया किसके लिए, अच्छा गिफ्ट मिले सबको, इनवॉइस मिला कल। देखो इसने तक गंदे तेरे दिखाए, अभी झाड़ू पोछा मारे यहाँ पे तू किसने कैसे गंदा बोल रहा है? ऋषभ ने खाया, ऋषभ आया था, ऋषभ खा गया सब कुछ, मैं सब कुछ खा गया हूँ, सब कुछ मीठी इतनी कॉफी पी रहा हूँ डाइट में। ठीक है, मैं क्या करूँ, पैटी लगी है, तू होगी पैटी। सब ने शॉपिंग करी है काफी, उससे चार बैग्स हैं और चारों बैग में एक ही चीज है, फ्रेग्रेंसेस। मैं पहले बोल रहा था एनी गेसेस, काफी गेसेस की जरूरत है। मैंने रूम के लिए भी ले लिया, अपने ऊपर के लिए भी ले लिया, अपने कपड़ों के लिए भी ले लिया, अपने बाथरूम के लिए भी, अपने वार्डरोब के लिए भी ले लिया, हेडबेड के लिए भी ले लिया। बस एक मुझे वो लेना है, वो था ना वो मशीन वाला यार, वो क्या बोलते उसको, घर जा रहा हूँ, बोला तुम शॉपिंग कर लो, मैं जब तक घर पहुँचा तो वरना मैं और खाली हो जाऊँ। चले पैसे खत्म हो गए मेरे, मैंने बोला हमने बोलता इतनी परफ्यूम ले लिया, हमने कुछ भी लिया, मैंने और तंजीर ने एक एक कॉफी ली है और मैंने एक परफ्यूम लिया बस। मैंने जो परफ्यूम लिया साथ में मैंने बहुत अच्छा ऑफर भी लिया। और बताओ कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट स्टोर कौन सा है, ठीक है फेवरेट स्टोर बताओ। और अभी हम ज़ारा जा रहे हैं, जासिम परफ्यूम ले ऋषभ के बाद मत सुनो, आप अपना फेवरेट स्टोर बताओ। और आज इतना अच्छा लग रहा है ब्लॉग करने में, खाली मॉल है, नाच भी सकती हूँ मैं, पता है डेयर देती हूँ आपको। चलो ये ब्लॉग चेंज भी हो गया, चैलेंज भी हो गया, नहीं ले सकती डेयर आपको मैं, पहले डेयर सुन लो फिर मैं बताऊं आपको, नाचना है बस, सही तो बोला मैंने। चैलेंज एक्सेप्टेड बाय ऋषु, लेट्स गो ऋषु, थोड़ा पीछे जाके हैं एनी डांस, बट थोड़ा रियल डांस तो ऋषभ वैसे भी करता रहता है, थोड़े एनर्जी के साथ करो थोड़ी और भी। हाँ और लोग है भी नहीं, क्या हो गया, कर ले, नहीं कोई नहीं है, थोड़ा ढोल वाला डांस। इन दोनों ने तो मुझे पागल बना दिया, चश्मे लेने घुसे ऋषभ, उसे हेल्प करने घुसा और फिर बाहर ही नहीं आया, अब वहीं पे हो दोनों घंटे से और मैं जा रही हूँ ज़ारा, क्योंकि सब कुछ बंद हो जाएगा यार, फिर क्या फायदा हुआ। अरे अरे मैं गलत आ गई यार, मैंने देखा भी था कि ज़ारा कहाँ है, अरे ओरा पढ़ के ज़ारा डम कैसे हो सकते हो, आई एम सो सॉरी, मेरे को ज़ारा ढूंढना पड़ेगा, मुझे ज़ारा से ज़रा से कपड़े देने, आई एम सो सॉरी यार, प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब। सो गाइस हम ज़ारा से बाहर निकल चुके हैं एंड सबके हाथ कुछ ज़्यादा भरे हुए हैं, स्पेशली ऋषु अंदर। सो अभी हमने ना एक गेम, मैंने एक गेम डिसाइड की कि हम नहीं हम गेस करेंगे एक दूसरे के बैग देख के कितने की शॉपिंग करी हमने, ठीक है। तो पहले मैं देखो ऋषभ को पता है, देखो ऋषभ का अमाउंट पता है, ज़ारा की बस
सिर्फ ज़ारा ना ज़ारा ओनली ज़ारा ज़्यादा लिया होगा कि बहुत टाइम से वेट कर रहा था तो कुछ नहीं अरे मतलब तूने बोला इसने बोला मैं ज़ारा बहुत टाइम है 18,000 ओके नेक्स्ट इसने कम लिया होगा क्योंकि बहुत खर्चा कर चुका है 16,000 के चश्मे ले लिए हां अब मेरा गेस सॉरी मेरे इधर भी बोल दूं मेरा गेस करना ये बैग है मेरा बट बिल मत देखना मेरा टोटल मेरे कितने गारमेंट्स लिए अब ये क्यों बताऊं मैंने पूछा तुमसे थैला लेके बताते हैं रुक जाओ थैला देख के बताना ऐसे ही है ना तो आई थिंक इसका मेरा होगा मेरा मैं वेट करता हूं अब नहीं ले रहा अबे ये कौन आ रहा है ये कौन आ रहा है इतने पैसे नहीं मर पास ठीक है गाइस जो कंटेंप्लेटिंग कि हमें लेना चाहिए कि नहीं आप वॉच बिकॉज़ थोड़ा मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है बट ईएमआई देख के ना थोड़ा पहले ईएमआई भी खैर सब कहता ये क्या सब है सर ये प्राइस मिल जाएगा हम सीरीज 6 है वो है 70,000 की 70 सुनाई दे रहा 70,000 आपको आदत है वीर बाजार दिल्ली पीपल विल अंडरस्टैंड वीर बाजार ये पिंक कलर ये पिंक कलर मैं तो पिंक कलर पिंक कलर और तो स्टैंप से लेंगे ना इसका अलग कैसे देखे स्टैंप्स तो ये हैं इनके साथ गाड़ी मोल ले आऊंगा कभी भी नहीं फन नहीं है हमने नहीं क्या फन हमने मेरा बैंक बैलेंस ओवर है आई वांट टू पुट दिस वीडियो का टाइटल ऑन लूट गए मैं ये डालूंगी लूट गए आज तो ओ देखो होम सेंटर आ गए ऋषभ आप बाहर रहो आपको नहीं जाना चाहिए अंदर वरना मैं तो कुछ दे लूंगा अंदर आके फिर और कुछ आपके 10 थैले और हो जाएंगे अभी जितने हैं ना तो सारे ये गया क्या तंजीर अंदर बार तंजीर को कुछ लेना है अभी तंजीर डेकोर आइटम देखते चल चल वाह लव हिम करंट सिचुएशन कुछ ऐसा है अभी की बास्केट हम भरे जा रहे हैं होम सेंटर में भी हमने नहीं छोड़ा आज हम पागल हो गए हैं आई थिंक आज कुछ ज़्यादा ही आए हैं खुशी मना रहे हैं पता नहीं किस चीज़ की सेलिब्रेशन कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा ही सामान अभी शुरू हुई है मैंने वोडका पी लो वोडका प्लस सैनिटाइजर यू सब आज आपने जितनी फ्रेग्रेंस है सारी लगा लो अपने ऊपर सब लगा दो और ऐसे ही घूमो मैंने सब जगह ले ली रूम बाथरूम पता है मैं वी नो ऋषु वी नो दो सिपाहियों के हाथ में ये सामान मेरे हाथ में बास्केट थी ये वाली एक और कांड बचा था हम बटन बच गए अभी क्या उसका किसका ओ हां हम आई वाज लेने वाले थे गाइस पर हमको पता नहीं सीरीज 7 अभी थोड़ा टाइम में आ रही है तो हम थोड़ा सेव कर लिया उसको अभी के लिए एंड वैसे तो हमने सुना था 8 बजे मॉल खत्म हो जाता बंद हो जाता है मॉल खत्म हो जाता है मॉल मतलब बंद हो जाता है लेकिन अभी तक बंद होने के कोई आसार लग नहीं रहे तो हम लिए जा रहे हैं हमें कोई धक्के मार के मारने है तभी हम निकल पाएंगे आई थिंक हर इस कारण का गुजी की कचीची है कचिचड़ दिल काट मार मॉल में से घूमेंगे हम काट लेके अरे तो होम सेंटर दिखा भी अरे बंद कर यार बंद कर मत कर यार पुलिस पकड़ के ले गई चलेगा तंदीन ओ देख तू देखो किसी के अंदर भाई देख ही नहीं रहा है पीछे यार ये झूले ले लो इसके आधा तो रोलर कोस्टर में बैठना था क्या हुआ अबे लेकिन इसको एस्केलेटर पे कैसे ले जाएंगे तो क्यों ले जा रहे हैं इसको डांट पड़ेगी हमें डांट क्यों पड़ेगी हम अपराध कर रहे हैं उनको समझना चाहिए बाहर तक लाया कार्ड कोई शर्म लिहाज ही नहीं है अभी हमारा रिस्क हमको हम घर भी ऐसे जा रहे हैं टकटकड़ करते हुए आज ओ शिट छुप गया हम भी लद्दाख में एक्चुअली हमने आपको झूठ बोला इधर बिल्डिंग के साइड मारना वगैरह सब ऐसा मैंने मॉम किया था मैं एंड में दिखा दूंगा आपको कि मैंने क्या क्या लिया सो
So just a quick like upper se, I'll just show you everything. The thing that I got is the something that I got from Home Central, which is this cute little blue lamp because my room is blue. So I thought I would keep chest of drawers or on my side table. Ke upar sakte, it would be so cute. And it was very reasonable. It was for 500 rupees. Although it's very small, but it's like super cute to keep in your room. So, and that I got is this soap dispenser, adulting, from makeup to soap. होम सेंटर से और हाँ एक ये लिया मैंने ये ऑर्गेनाइजर मुझे एयरिंग छोटे एयरिंग्स का चाहिए मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हैं ऑलरेडी तो एक मुझे बस छोटा चाहिए था तो ये मुझे परफेक्ट लगा आई गॉट आई एम सो सॉरी सब कुछ टील मेंट कर रखा है इट्स लाइक माय रूम का थीम बट ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर एंड आई थॉट ये बहुत अच्छा है फॉर ट्रैवल पर्पज लाइक ऐसे अंदर रख के ना यहाँ पे इयरिंग्स लगा दो यहाँ पे रिंग्स एंड यहाँ पे नेकलेसेस एंड मतलब आपको कुछ भी रखना था यहाँ पे सो आई थॉट इट्स सुपर क्यूट एंड सुपर कन्वीनियंट एंड नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम होम सेंटर इज दिस कैंडल इसका नाम है सी साइड सेरेनेड मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे कहते हैं बट दिस वाज फॉर 300 रुपीज एंड स्मेल्स लाइक वेरी फ्रेश एंड आई लव कैंडल्स आई लव फ्रेग्रेंसेज मैं कैंडल लगा जला के बैठती हूँ काफ़ी टाइम रूम में पूरे टाइम ऑलमोस्ट सो आई लव फ्रेग्रेंस और ब्लू अगेन मैंने ये कलर देख के नहीं लिया ये सच में फ्रेग्रेंस के लिए लिया है बट बाई चांस वो लकी हुआ कि ब्लू निकला एंड क्यूरी पाए मुझे बहुत क्यूट लगा है मैंने लिया एंड फ्रॉम सेफोरा आई गॉट दिस परफ्यूम फ्रॉम बल्गारी हमारे काफ़ी कॉम मतलब काफ़ी लोगों के पास होता है ये वाला सो क्यूट हैव लॉन्ग एस ज़ारा बिल सो फ्रॉम ज़ारा है बहुत जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि ये मैंने मतलब ज़ारा से मैंने बहुत सारे कपड़े लिए मैं आपको एक एक करके घर में ना बोल जाओगे बट ये बैग दे दो आई लव ज़ारा बैग दे ऑलवेज सो वाइब्रेंट एंड ब्यूटिफुल आई लव दिस वन So I got it. This was for 2990. This is everything is clothing. A lot of clothes. Some more. And some more. So yeah. एक वो चीज़ें दिखा दी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये आजकल स्वेटर वेस बहुत ज़्यादा इन है तो मैंने ये ले लिया बहुत क्यूट सा कलर भी है बहुत क्यूट भी है शर्ट के ऊपर स्टाइल करके विद लेयर नेकलेसेज है ना बहुत ब्यूटीफुल लग सकता है दूसरी मेरी फेवरेट परचेज आई थिंक ये शर्ट है इस सैटन फिनिश वाला पूरा प्रॉपर ब्यूटीफुल शर्ट एंड जो ये मटेरियल का होता है ना बहुत रॉयल एंड रिच लगता है तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने इसमें दो लिए किए एंड एक प्लेन ब्लैक सो इफ दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग दिस एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यू आर सो क्लोज टू 800K लव यू गाइस सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो